टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे पंजाबी का वार्म वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द वेरी रिनॉन मॉडल एंड एक्टर ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस्टर राजीव ऋषि। जी हाँ, आज वो हमारे साथ हैं और 500 से ज़्यादा वीडियोस में वो काम कर चुके हैं और बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने एक विलन का करेक्टर प्ले किया है। तो आज हम देखेंगे कि रियल लाइफ में वो कितने बबली कैरेक्टर के हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, वो आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी, प्यार भरी सत श्री अकाल सारे दर्शकों जी। सर कैसे हैं आप, सबसे पहले बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ कैसे, ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले बताइए कि लुधियाना में आपका आना कैसे है, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, फिरोजपुर, बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन चंडीगढ़। और आज हमारा यहाँ पे आने का मोटिव था कि हमारा एक पंजाबी वीडियो शूटिंग चल रहा है, सो उसमें मेरा एज ए हीरो करेक्टर है आज में, तो स्पेशली वो पग के ऊपर है, टर्बन के ऊपर वीडियो है जो शूट किया जा रहा है। सो उसके दो तीन वर्ड मैं आपको बताता हूँ। साड़ी पग तो ना वड्डा कोई ब्रांड बली है, ये उसकी टाइटल लाइन है। हाँ जी। तो सर वैसे तो हमने आपका एक इंट्रोडक्शन दिया ही है अपने व्यूवर्स को कि आप इतने सारे वीडियोस एल्बम्स में काम कर चुके हैं, तो अगर हम आपको बोलें आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे? प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर वर्ड्स। सत श्री अकाल जी, मैं तो अपना राजीव ऋषि। सो इस तो पहले तुम मैनू डिफरेंट लुक च वेख्या होगा, दिस इज़ माई फर्स्ट टर्बन वीडियो, मे बी इट्स सैकेंड या सैकेंड टर्बन वीडियो। सो तुम नवे लुक च मैंने वेखोगे टर्बन। सो अपना नवा वीडियो आ रहा है जी पंजाबी टर्बन के उत्ते, स्पेशली साड़ी पग तो ना वड्डा कोई ब्रांड बलीए, सिंगर ने जी हैप्पी लापड़ा जी, लापड़ा म्यूजिक तो रिलीज़ हो रहा है। सो अज अपना लुधियाना विच शूट चल रहा है, बहुत वधिया। इस तो पहले तुम मे बी मैनू सारे लोंग करली हेयर्स डिफरेंट लुक च देखा होएगा विलन करैक्टर के। सो हुणे अपनी एक मूवी भी रिलीज़ हुई है जी रीसेंटली, डी एस पी देव। सो उहदे विच बैंक रॉबर का मेरा करैक्टर सीगा। सो डायरैक्टर सी जी अपने मनदीप बैनीपाल जी, बहुत वधिया डायरैक्टर ने। सो उहदे देव वीरा बहुत वधिया मेरा सपोर्ट करता है, मेरा वीर। सो अपकमिंग अपनी एक मूवी है जी जोरा 2, जो 22 नवंबर में रिलीज़ हो रही है। डायरैक्टर ने अपने जी अमरदीप भाई गिल। तो सर जैसे आपने बताया लॉन्ग कर्ली हेयर्स में, तो वो आपको एक जो इमेज एक कहते हैं ना कि बन चुकी है सबकी आंखों में, तो अब ये पग में आपको खुद को आपको कैसी फील हो रहा है कि डिफरेंट लुक में आप स्क्रीन पे सबके सामने आएंगे अब? नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज पग बांध के और ऐसे करेक्टर प्ले करने में। सो सीरियसली रियली आई वॉन्ट टू डू करेक्टर इन टर्बन। सो आज मैं बहुत वधिया लग रहा है, बहुत वधिया लाइक लुक मैनू बहुत। अभी मैंने एक सोशल साइट पे एक पिक अपलोड की है मिन टर्बन, सो सबके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं उनके। सो मेरी इस लुक को लेकर आई होप कि सारे वधिया लगेगी जी। मॉडलिंग लाइन में आपने कब एंट्री की? मॉडलिंग लाइन में आई थिंक आई एंटर इन 2008। या मूवीज की कब स्टार्ट की जर्नी आपने? मूवी मैंने सबसे फर्स्ट मूवी की थी 2013 में, जट बॉयज पुत जट्टां दे। सो उनके च डायरेक्टर से अपने सिमरनजीत हुंदल। सो वधिया मूवीज़ गई सी, वो एक नवा दौर शुरू होया सी मूवीज़ का। सो जिहदे विच अपना मतलब यू नो कॉमेडी तो हट के फाइट एक्शन मूवी फर्स्ट मूवी सी मे बी मेरे अकॉर्डिंगली। सो अच्छी मूवी गई सी वो। उस तो बाद काफ़ी सारे आई हैव डन लाइक मोर दैन 300-400 वीडियोज़। सो बैक टू बैक अजे होर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। सो ये मेरी डिफरेंट लुक है, एक न्यू लुक है टर्बन दे विच। जैसे ना हम कहते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेक समवन लाफ, तो ऐसे ही एक विलेन का करेक्टर भी प्ले करना आपको कितना डिफिकल्ट लगता है? नहीं, अब डिफिकल्ट तो नहीं लगता, अब तो बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुके हैं काम कर करके। यू नो अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको प्रॉपर अपने करेक्टर के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे रब की मेहर के नाल आपां नूं कितें डिफिकल्टी आती हुए। या तो रियल लाइफ में अगर हम कंपेयर करें आपके विलेन वाले करैक्टर को, अब रियल लाइफ में कितने बबली करैक्टर के हैं? रियल लाइफ दे विच ही जिन्ने विलेन देखने च मतलब थोड़े डेंजरस दिखते हैं वो उन्ने ज़्यादा मतलब नॉर्मल सॉफ्ट हार्टिड होंगे है। सो मैं यदा नहीं कहवा बहुत सॉफ्ट हार्टिड है, मतलब एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बींग। तो जब आप अपने आपकी मूवीज़ आती हैं रिलीज़ होती हैं, बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती है आपको, तो जब अपने फैमिली में जाते हैं अपने फ्रेंड से, और कैसा आपको एक मैसेज मिलता है या वो लोग आपको कैसे अप्रिशिएट करते हैं? या जो भी आप पब्लिकली कितने भी जाने हैं, सो
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਜੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ तो आप क्या वो करेक्टर प्ले करना चाहेंगे, जैसे आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है पंजाबी मूवीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, गिप्पी गरेवाल, दिलजीत दोसांझ, तो कहते हैं कॉमेडी मूवीज़ आती हैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जल्दी जल्दी से बुक हो जाता है, तो आप क्या जाना चाहेंगे उस तरफ? नहीं, आई एम एक्टर, मुझे अगर कॉमेडी करने के लिए बोला जाएगा तो मैं आई कैन डू सो, बट लेकिन कॉमेडी का दौर आई डोंट थिंक सो कि लाइक बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो पंजाबी इंडस्ट्री की न्यू मूवीज़ बन रही हैं सो उसमें टोटली डिफरेंट यू नो एक्शन शॉर्ट्स चल रहे हैं, एक्शन मूवीज़ बन रही हैं। तो जैसे अभी हमारी एक मूवी आई है डीएसपी देव, उसमें बहुत अच्छा करेक्टर प्ले किया है देव करोड़ जी ने। सो अपना भाई है, बड़ा भाई है, सो उन्होंने मतलब एक डिफरेंट ट्रेंड चलाया है। उस तो पहले उन्होंने डाकू वाला मुंडा एंड रुपिंदर गांधी 1 & 2 एंड ब्लैकिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिफरेंट मूवीज़ कीतिया ने, तो हिट कीतिया हैं पंजाबी इंडस्ट्री में। आई होप सो कि इदा दी मूवियाँ होर बनन, तो इदा दा मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में प्रॉपर फुल पैकेज मूवीज़ मिलनी चाहिए, नॉट इन लाइक प्रॉपर सिंगल नहीं होना चाहिए कि एक यू नो लाफ्टर कॉमेडी चल रही है ना, बंदा वेख रहा है, वेख वेख के बंदा बोर हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा पिछले मूवीज़ अपनी पंजाबी इंडस्ट्री फ्लॉप भी गई ने, सिर्फ उनका रीज़न एक ही कि लोग बहुत ज़्यादा देख देख के पक चुके सी, और मतलब ऑडियंस भी कुछ डिफरेंट देखना पसंद करती है कि उन्होंने कोई अगर कोई थिएटर के पैसे स्पेंड करके जा रहा है टिकट बाय करके राइट, उन्होंने कोई डिफरेंट देखने को मिलेगा ता ही वो मूवी वधिया पब्लिकली वधिया जाती है ना, उनका रिव्यू वधिया होंदा। जो तुसी एक ही चीज़ दिखाई जा रहे हो, सेम चेहरे, सेम कॉमेडी, सेम है ना, सेम कॉन्सैप्ट, सो वो मतलब लोग देख 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 पक जाते हैं है ना। सो पब्लिक यही डिमांड करती है कि मूवी दे विच मतलब सारा कॉम्बो पैक होवे, कॉमेडी भी होवे, रोमांस भी होवे, मतलब प्रॉपर लव शॉट्स भी होन है ना, तो घरेलू शॉट भी होन, एक्शन भी होवे, सो उदा दी मूवियां लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वह फोर एवर हिट रहनी है मेरे अकॉर्डिंगली। सिंग राइट, अभी आपने इतनी म्यूजिक वीडियोस में जो काम किया है तो उसमें भी आप कैसा करेक्टर प्ले करते थे, एज अ रोल मॉडल, मॉडल क्या उसमें, या एक विलन का करेक्टर आप उसमें भी सेम उसी डायरेक्शन में रहते थे? नहीं, विलन जहाँ पे अगर हमें विलन का करेक्टर करना होता है तो हमारा विलन वाला फील होता है, जहाँ पे एज ए हीरो करना होता है तो हीरो वाला फील होता है ना। सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग एल्बम कौन सा रहा है अब तक आपके लिए? हार्ट टचिंग आपके सबसे ज़्यादा करीब हो? नहीं, मेरे लिए तो सारे ही मेरे वीडियोज़ अच्छे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिट हो चुके हैं। सो पब्लिकली मेरे इस लुक में मे बी मुझे लोग कम पहचानेंगे क्योंकि ये फर्स्ट है। सो जो मेरे लॉन्ग करली हेयर वाली लुक है वो सारे लोग मे बी जानते हैं, जो वेलविशर होंगे और खुश होकर आके मिल लेंगे, जो मतलब थोड़े जे हेटर्स होंगे है ना वो वेख के। ऐसे सोशल मीडिया पे आप कितने एक्टिवेट हैं और कैसे कमेंट्स आते हैं आपको? सोशल मीडिया तो जी मैं मतलब नॉर्मल मतलब एवरेज ही हाँ, मतलब नॉट मतलब जिन्ना लोग आज लैक ऑफ टाइम वी कैन से मतलब मोस्टली लोग आजकल जा टिकटॉक एंड ऑल स्नैपचैट, मैं अभी तक टिकटॉक ते अकाउंट ही नहीं मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल, ना मेरा स्नैपचैट ते जी। सो इंस्टाग्राम चलाना वो भी बहुत कट। तो सर अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं उसके बारे में प्लीज व्यूअर्स को बताइए। आने वाला एक तो आज हमारा ये वीडियो जो शूट हो रहा है, ये कब रिलीज होगा? ये कमिंग मंथ में हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा एक और बेवफाइया 2 वीडियो रिलीज़ हो रहा है, और एक लुक बदमाशा वर्गी वो भी वीडियो में कर रहा हूँ, उनके मतलब प्रॉपर बदमाशा वर्गी लुक है, मैं नहीं जाना तेरे ना सोने तेरी लुक बदमाशा वर्गी, सो वो मतलब एक ट्रेंडिंग मे बी वधिया होएगा। जड़ा बेवफाइया 2 आ रहा है वीडियो वो भी मतलब उनके भी हीरो ही हैं मतलब मैं, तो उनके डिफरेंट करैक्टर किया है। सो एंड उसके बाद जी अपनी मूवी एक आने वाली है जी जोरा 2, वो 22 नवंबर रिलीज़ होनी है जी, उनका ही कोई विला नहीं देखोगे फिर दोबारा। तो लास्ट में सर हम जाते 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 हैं लुधियाना में आप आए हैं, तो लुधियानवीस को या जितने भी पंजाबीज हैं उनको एक अपीलिंग मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? अपीलिंग मैसेज जी मैं हमेशा जो भी मीडिया कॉन्फ्रेंस के हूँ जी, मैं हमेशा सारे यही मतलब अपील करता वा कि मतलब नशा दूर रहो
राइट एंड जिम जिम जरूर करो, दिन दे विच एक घंटा जिम दे विच जाके जरूर वर्कआउट करो, जो मतलब शरीर ही एक गहना जो हमेशा अपने नाल रहना राइट। सो अपने पंजाब दे विच नशे का हाड़ आया होया, सो मैं हमेशा सारा यही मीडिया दे विच भी और अपने सोशल साइट के उत्ते मैं हमेशा यही अपील करता रहना कि मतलब नशे तो दूर रहो यंगस्टर, अगर अपना नशे दूर रहेंगे तो उन्ना अपना मतलब कंट्री वधिया। थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एल्बम एंड मूवीज। तो आपने देखा यह थे हमारे साथ राजीव ऋषि जी, जिन्होंने हमसे शेयर किए बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि नशे से जो यहाँ का यूथ पंजाब का आजकल बहुत ज़्यादा डूबता जा रहा है नशे में, उनसे दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ा एक अपीलिंग मैसेज उनकी तरफ से जो हमें भी मिला वो रिगार्डिंग टू हेल्थ, कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि जिम ज़रूर जाइए, अपनी हेल्थ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी तरफ ज़रूर फोकस कीजिए। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके और हमने भी शेयर किए उनसे कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।